सिगरेट शराब शरीर के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन आर इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर। शेखर जी हाँ, क्या बात है, पेपर पढ़ रहे हो? जब दिखाई दे रहा है पूछ क्यों रहा है तू? ये लीजिए, अरुणाचल से लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का प्रसाद लेकर आया हूँ, लीजिए। ये बताइए पंडित जी, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर अरुणाचल कब शिफ्ट हो गया? ओ माय गॉड। पंडित जी। हाँ बेटी। मेरे बेटे के ऊपर छिपकली गिर गई थी, कुछ कीजिए ना। छिपकली आपके बेटे के ऊपर? इन छिपकलियों को और कोई काम नहीं होता लोगों पर गिरने के अलावा। पहले शिरडी से लाए इस विभूति को उसे दे दीजिए, फिर देखिएगा आप, आपका बेटा सेफ जोन में आ जाएगा। और आप लक्ष्मी नारायण जोन में पंडित जी? बेटी तुम एक काम करो, इसे जल्दी से ले जाओ, वरना कहीं यही मुझे श्राप ना दे दे। पंडित जी ये प्रसाद मंदिर का या घर में बनाया? शिव शिव शिव। क्या माँ ये सब क्या है? अब तेरा चेहरा चमक रहा है मेरे सोना बेटा। माँ। पंडित जी आपकी दी हुई विभूति लगाते हैं उसका चेहरा चमक गया। तुमने विभूति लगाई या मुल्तानी मिट्टी? बस कीजिए पंडित जी, मैं नहीं जानती कि आप क्या करेंगे, बस मेरे बेटे की शादी जल्दी होनी चाहिए। आपके बेटे को ढूंढते हुए रिश्ता खुद ब खुद आप तक चल कर आएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा, देखिए फोन बज रहा है। मेरा नहीं आपका बज रहा है। हेलो। हाँ ओके ठीक है ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस लड़की की फोटो भेजो। हाँ थैंक यू। कौन था जी? मेरे बैंक में जो रमेश जी काम करते हैं ना, उन्हें अपने बेटे की फोटो दी थी, बोला था कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर बताना, किसी को दिखाया होगा, उन्हें पसंद आ गया बेटा, अब मिलने के लिए आना चाहते हैं वो लोग। हाँ। हे साईं बाबा। हाय दीदी। हाय जीजू। नमस्कार टेढ़े पंडित जी। सुना सनी, अपने अभी के लिए रिश्ता खुद चल कर आ रहा है। ये तो गया, अब जल्दी से उनसे बात करके रिश्ता तय कर दीजिए। चुटके में कर दूंगा शादी। पंडित जी अब हमें क्या करना होगा? आपके बेटे की कुंडली के अनुसार इस घर में ही मैच खेलने से फिक्स होगा। मेरे लिए रिश्ता? पंडित जी आज तक आपके ना तो मंत्र समझ में आए और ना ही आपकी गोल गोल बात। मतलब रिश्ते के लिए आप वहाँ नहीं जाएंगे, उन्हें यहाँ आना होगा। लेकिन किसके लिए? तेरे लिए बेटा, और भी आएंगे। माँ सुनिए जी, अब देर किस बात की, उन्हें तुरंत कॉल करके आने के लिए बोलिए ना। ठीक है। सुनिए पंडित जी, लड़का जब लड़की के घर जाता है तो लड़की उसे कॉफी पिलाती है, यहाँ लड़का कॉफी पिलाएगा क्या? जो भी हो, रिश्ते के लिए आपका हमारे घर आना बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा नहीं है, लेकिन बेटे की कुंडली के हिसाब से पंडित जी ने ऐसा ही करने के लिए कहा। ये लीजिए। ये लड़का कौन है? ये मेरा भाई है।
भगवान की कृपा से अगर सब कुछ ठीक रहा इसकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। भगवान कृपा नहीं करने वाले। दीदी नो। अरे चुप। दीदी नो। ये अभी का मामा है लेकिन मामा का क्लोज फ्रेंड से भी बढ़कर है। ओ, मतलब राम और लक्ष्मण की तरह। अरे नहीं नहीं, हनुमान जी की पूंछ की तरह। दीदी नो, शादी करना ही बेकार है। ओ, रूठ गया। अभी हाँ मामा, और कितनी देर लगाएगा, सब वेट कर रहे हैं। जाओ मामा, मैं नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं उन्हें बोल देता हूँ। मामा क्या हुआ? 5 मिनट में आता हूँ, परेशान मत करो। ये नहाने में इतना वक्त लगा रहा है तो शादी में कितना लगाएगा। आंटी वॉशरूम कहाँ है? यही सामने है बेटा। मैं भी जाती हूँ आंटी। एक्चुअली मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। आपने इस पे ध्यान दिया हा? एक पूजा तो दूसरी अर्चना। आपके माता पिता रोज मंदिर जाते हैं ना, थोड़ा सोचिए। अगर आपका भाई होता तो उसका नाम प्रसाद, और एक और बहन होती तो उसका नाम आरती रखते हैं ना। हाँ, फिर तो सारी पूजा सामग्री हमारे ही घर में मिलती। यू आर सो फनी। कहा ना मामा आ रहा हूँ, अगर उनसे इतना भी इंतजार नहीं हो रहा तो उनसे कह दो मेरे रूम में आ जाए, यही देख लेंगे लड़की को। तो यही देख लो ना इस लड़की को। सॉरी। तो तुमने फोटो भी नहीं देखी। पूजा। ओह शिट। अभी। अभिषेक। फुल डिटेल्स पता लगा ले। स्कूल में पढ़ा था। वो स्कार 2009। नो वेट। मे बी 2010। इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में गोल रोकते हुए गोल फ्रेम से टकरा गए थे, है ना? डीप कट, 2 stitches, मैन ऑफ द मैच भी। व्हाट द, इतना परफेक्ट कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने भी जॉनसन ग्रामर हाई स्कूल से ही पढ़ाई की। जॉनसन ग्रामर हाई स्कूल। तो मैं थोड़ी अलग थी। याद करोगे तो याद भी नहीं आएगा। सोडा ग्लास वाले चश्मे पहनती थी, दांतों में ब्रेसेस लगाती थी। ओके। बेसिकली तुम पेरेंट्स के रूल्स तो जानती हो ना, लड़की 25 ईयर्स की होते ही शादी की चिंता। दिन के 3-4 रिश्ते आते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ फोटोज देख देख के, और अचानक एक दिन तुम्हारी फोटो सामने आई, तुरंत हाँ कह दी। हाँ? I mean, मिलने के लिए। Okay. दीदी, सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। मेरे अभी को पुलाव बहुत ही पसंद है, तुम्हें भी पसंद है ना? पूजा को और क्या क्या पसंद है? सोना पसंद है, ऑफिस के लिए छुट्टी मारना पसंद है। अच्छा? और हाँ, सबसे ज्यादा सेकंड शोज देखना पसंद है। अच्छी आदतें हैं। हेलो। नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? आ तो रही है, लेकिन जागने के लिए एक बेस्ट रीजन है मेरे पास। अच्छा, और क्या है वो? बताती हूँ पर किसी को बताना मत। ओके। और देखो, मुझे जज भी मत करना। नहीं करूँगा, बताओ। एक्चुअली कुछ सर्व कर रही थी तो एक अजीब सा एड लिंक देखा, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्लिक कर दिया। रात को आओ कराटे की वीर नाम की एक फिल्म शुरू हो गई। ओह माय गॉड, क्रेजी स्टफ है ये। तुम्हें नींद आ रही है क्या? उड़ गई। क्या सोच रहे हो फिर? नथिंग। गुड बॉय, अब जाकर पढ़ाई करो। ठीक है, बाय। तुम रात को आओ, कराटे की वीर मूवी एंजॉय कर लो। जान से मार दूंगी तुम्हें। ठीक है, बाय बाय। अगर कुछ चाहिए तो दोबारा पिंग कर लो। ठीक है, बाय।
ऐसा लगा था हीरो विलन को मारेगा, लेकिन हीरोइन ने ही हीरो को मार दिया। स्टोरी अच्छी है ना, इंग्लिश फिल्में ऐसी ही होती है। मूवी पसंद आई? पता नहीं। एग्जैक्टली अच्छी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझ नहीं आया तो क्या है? कुछ नहीं, देख रही हूँ वैसे ही हो या बदल गए हो। So, what do you think? समझ नहीं आ रहा, same same but different। पहले तुम बहुत बातें किया करते थे। वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं ना पूजा। सब कुछ। अभी कैरी ऑन। सी ऐसे रहोगे तो अच्छे लगोगे। या तुमसे कुछ कहूंगी, एक ही बार कहूंगी, बताने के बाद तुम भाव मत खाना। ओके। आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन यू 7th क्लास से, पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे कुछ लगाव सा था। कभी कभी ये भी इमेजिन कर लेती थी कि तुम मेरे हस्बैंड होते तो कैसा होता। अब बस, अब कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके डन। ओके अभी पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, मुझे लगा था तुम नोटिस भी नहीं करोगे। दीदी माँ ने फोन किया था। बाय। बाय। तो चलूँ ना मैं? हाँ, आई थिंक यू हैव टू गो, बहुत लेट हो गया है ना। चलो। दोबारा मिलने के लिए पूछना चाहिए था ना, कब मिले ये भी नहीं बोला उसने। वो फोन तो करेगा ना मुझे। तो तुम्हें वो बहुत पसंद आया ना? हाँ हाँ। लड़की अच्छे से बात कर रही थी ना? लड़की अगर कुछ भी बात करे अच्छा ही लगता है। अपने बालों की कसम खाकर बोल, उसने अच्छे से बात की थी ना? मेरे बाल पे क्यों जा रहे हो मामा? अगर बालों की कसम झूठी खाई ना तो खाने वाला टकला हो जाता आपके है। बालों की कसम। मुझे टकला नहीं होना है। अच्छा बताना कैसी लगी वो? अरे बताना, मुंह क्यों बंद है? दीदी और जीजा जी तेरे लिए कितना परेशान होते मालूम है? कोई तो फैसला कर, बार बार उससे मिलो, एक दूसरे को पहले समझो, फिर तो शादी कर। अब तो तुम अपना एक्सप्रेशन बदल लो दीदी। लंच पर ले जाएगा, पिक करने भी आएगा और डेट पर भी ले जाएगा। मतलब शादी कंफर्म दीदी। रहना रहना खुद के हम रहना, होने लगे हैं हम तेरे, लगे ना लगे ना जिया अब लगे ना, एक पल अब बिन तेरे। नैनों में मेरे अक्स है तेरा, देखूं मैं ख्वाब तेरे, नींदों से मुझको जगाता है तू ही, छाया सुरूर है जब मैं देखूं तुझको सामने, नजर चाहे ना हटना, पाया नसीब से तुझको मैंने, प्यार तेरा न खोना। प्यार का मौसम खुशनुमा आलम, सांसों की सरगम है तुझसे ही जानम। रंग दे अपने रंग में मुझको, रंग ना ये उतरे तेरे सिवा ना, अब तो मुझ पे चढ़े रंग दूजा कोई। ये लम्हे हुए हैं हसी शामिल, इसकी वजह तुम ही तो। सीरे से लग जरा
धड़कने सुन जरा, इनमें है नाम तेरा, तुझ में है जगना, तुझ में है सोना, मुझको तो बस तेरा है होना। इतना इतना प्यार मैं इतना करता हूँ मैं तुझे, जितना जितना प्यार तू जितना करती है तू मुझे, तुझे ही देखूं तुझे ही सोचूं खोया रहूं मैं तुझ में, तुझे ही चाहूं तुझे ही पाऊं मांगू मैं ये दुआ, सांसों से ज्यादा तुझको चाहूं जीवन मेरा तुझसे, तुझ में ही रहना तुझ में ही बहना तुझ में ही जीना। प्यार का मौसम खुशनुमा आलम, सांसों की सरगम है ये सब तुझसे सनम, रंग दे अपने रंग में मुझको रंगना ये उतरे, तेरे सिवा ना अब तो मुझ पे चढ़े ना रंग दूजा कोई। लड्डू ले लो बेटी। क्यों बेटा, लगता है इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। हाय, आओ बेटा बैठो। इंटरव्यू के बारे में तो पता नहीं समझी जी, अभी अंकल इस महीने के 22 और 25 को अच्छा मुहूर्त है, तुम ही बताओ तुम्हें कौन सी तारीख सूट करेगी, हम प्लान कर लेंगे, क्यों समझी जी? एकदम सही। फिक्स करने से पहले एक बार पूजा से बात करना चाहता हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सब ठीक है ना अभी? पूजा, बिफोर वी फिक्स ऑल थिंग्स, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या है बोलो। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता था, प्यार करता था, चंद्रकांता। पड़ रहा है। ऐसा मत कह, पता है कितनी प्यारी लग रही है तू। कई दिनों से मैं ये सोच रही थी कि तुझे तेरी नानी की तरह तैयार करके फोटो लूंगी, बस सिर्फ दो फोटो प्लीज 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 प्लीज। वाह क्या इमोशन है मॉम, डायलॉग डिलीवरी देखो, एक्शन देखो, आपका ऑस्कर यही कहीं होगा। मजाक उड़ा रही है? आप मुझे अपनी मॉम की तरह रेडी करेंगी तो मैं आपकी मॉम जैसी बात करूंगी ना। कुछ नहीं खींचिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे शादी के बारे में कुछ? शादी 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 शादी। मॉम दोबारा शादी का नाम लिया तो भाग जाऊंगी, बता रही हूँ, किसी के साथ नहीं, अकेली ही। अब ऐसा क्या हो गया? आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी वादी का नाटक पसंद नहीं है। बेचारा बेचारा वो लड़का। कौन सा लड़का? मेरा दामाद। आगे की जिंदगी कैसी होगी ये सोचते हुए ऑनलाइन गुलाब जामुन ऑर्डर करके बेचारा कब से इंतजार कर रहा है। रुक जाओ, हम दोनों मिलकर तुम्हें बताएंगे। हाँ हाँ बताइएगा, जाइए।
ऐसे ही कहती रहो, कोई आकर उस गुलाब जामुन को छोड़कर तुमसे शादी कर लेगा क्या? हाँ कर लेगा कर लेगा। माँ उन्हें अभी दे दिया है। क्यों, आ भी गया इतनी जल्दी करने के लिए? हाँ हेलो। ए कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगा मेरा डांटना हो गया? फ्रस्ट्रेशन अभी बैलेंस है, इस वक्त फोन करने के लिए इस पर है करके हंसने के लिए तुम पर। रुको। ओ, अच्छा तू बिजी है, मैं फोन रखती हूं। ए फोन क्यों रखेगी, कॉल क्यों किया ये बता। शाम को मिलना था ना, वही याद दिलाने के लिए। हाँ याद है, कॉफी शॉप में मिलना है 7:30 बजे। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी, तू सही टाइम पे आ जाना। हाँ ठीक है, कट करती हूँ। तू क्या कट करेगी, मैं कट करती हूँ। तुम अब तक यहीं पर खड़े हो? कमाल है यार, तुमने तो रुकने कहा था। रुकने को कहूंगी तो रुक जाओगे? अगर मैं रोड साफ करने को कहूंगी तो करोगे? काम धंधा नहीं है क्या तेरे को? क्यों नहीं है, बहुत है। अच्छा तो कोई एक काम बताओ। देखा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बहुत काम है मेरे पास। अब जाओ। अभी तक खड़े हो या चले गए? नहीं नहीं चला गया। चंद्रकांता को अभी क्या चाहिए, पैसे, नया मोबाइल या और एक हॉलीडे ट्रिप की टिकट? ये क्या है? शादी अलग है मॉम, और ये मेरी लाइफ है। मुझे मेरी लाइफ से दूर मत करो, मुझे ऐसे ही जीने दो। इस तरह के बकवास लॉजिक तेरे दिमाग में आते कहां से? वो कॉफी शॉप यही है, आखिर क्यों आया हूँ मैं यहाँ? मुझे देखेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा रहेगा मैं कैप लगा लेता हूँ। यार मैं सच कह रहा हूँ, तू मेरा विश्वास कर यार, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भैया कूपन चाहिए, कूपन कार मिलेगी, बाइक मिलेगी, ले लो। हेलो ब्रदर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ कूपन्स बेचता हूँ, मतलब काम काज तो करना चाहिए ना। वैसे बहुत ही घटिया एक्टिंग है तुम्हारी, बुरी तरह पकड़े गए हो। रात को कैप क्यों लगाई, स्टाइल है तेरी, टकले हो। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, वो इंग्लिश मूवीज में हीरो को कोई ना पहचाने इसलिए पहनते हैं ना, इसलिए मैंने भी पहन लिया। पर कैप लगाने के बाद भी पता चल जाता है ना कि वो हीरो है। हाँ। और हॉल के अंदर बगल वाले को पता नहीं चलता क्या? तो सिनेमैटिक चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वैसे तुम्हें यहाँ काम क्या है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। सॉरी बोलने आया था, वो सुबह तुम पर हंस दिया था ना। सॉरी बोलने आए हो या सॉरी बोलने के बहाने मुझे देखने आए हो? इसलिए आया था ना। अब बोलोगे भी या नहीं? ओह गॉड, आई एम सॉरी। ये कौन सा सॉरी है, ये सॉरी है वो सॉरी? ये सॉरी है, ये सॉरी वो सॉरी नहीं है, इस बार वाला सॉरी वो सॉरी होगा। सॉरी? सॉरी। हेलो। मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगी। शर्म नहीं आती तुझे, फोन करके परेशान कर रही है, टाइम पे आना चाहिए था। स्टूपिड कहीं की। मुझे काम है, मैं जा रहा हूं। रुको, मेरी भी तो सुनो, और तू जल्दी से यहाँ पर आ। मतलब सावधान कर रहा था। उसकी जरूरत तुम्हें है, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, चलो बैठो। तुझे क्या लग रहा है, जब तक मेरी फ्रेंड यहाँ नहीं आती तुझे टाइम पास करने के लिए बैठाया है? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ही बैठाया है। ठीक है बताओ। क्या बताऊं? तुम्हें कैसे पता था कि मैं इस वक्त यहीं पर आऊंगी? एक फ्लैश कट। कॉफी शॉप में मिलना है 7:30 बजे। अच्छा ऐसा क्या? टाइम और प्लेस तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता कि यही कॉफी शॉप होगी? वो तो मैंने फोन पे नहीं कहा था। एक और फ्लैश कट। मुझे बस 10 मिनट ही लगेंगे, मुझे बस 10 मिनट ही लगेंगे, मुझे बस 10 मिनट ही लगेंगे। पर 3 बार क्यों दिखाया? रजिस्टर होना चाहिए ना माइंड में, आपके घर से 10 मिनट के रेडियस में सिर्फ यही एक कॉफी शॉप है। क्या बात है, कहावत है खाने के लिए पकौड़े नहीं है लेकिन बैगर को बर्गर खिलाता है तुम जैसा इंसान। इसी सब चीजों में चलता है तुम्हारा दिमाग। ठीक है बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अभी है, मैं 26 साल का हूँ, मैं कॉलेज में टॉपर था, जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ। रुको रुको, जानते तुम कैसे बता रहे हो? मेरा नाम मुकेश है, मैं 1 साल पहले दारू पीता था। लड़की से बात करते वक्त स्पार्क और ग्लो होना चाहिए, दोबारा शुरू करो। दिखाता हूँ,
मेरा नाम अभी है, मैं 24 साल का हूँ। इससे ज्यादा जानकर मैं क्या करूंगी। ठीक है, मेरी फ्रेंड आ गई, तुम जाओ। हाय, कौन है ये? बस रास्ते में टकरा गया, कूपन्स बेच रहा है, चाहिए क्या? ए, नहीं, चल ठीक है, निकल यहाँ से। आप अपना नाम बताएंगी? मतलब आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। अगर थर्सडे के बाद फ्राइडे आया तो दोबारा मिलते हैं, अब जा। कैसी लड़की है वो? मुझे भी ऐसे लगता है मामा। कैसी लड़की है मामा वो? ए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसी लड़की है वो? पागल कहीं का। मामा, वो लड़की इंटरेस्टिंग है मामा। ये बताओ, कोई मिलते ही डांटता है क्या? आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उल्टे सीधे वीडियो देखती रहती हैं, उसके बाद दिमाग खोलो तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहता हूँ, जब भी लड़कियों से मिलो तो दिमाग के सारे बटन खोल दो। मामा, क्या बात की थी उस लड़की ने, उसके डांटने से लगा जैसे गाना गा रही है। पागल है वो। फर्स्ट डे फ्लॉप फिल्म का अच्छा नहीं होता है, ये भी वैसी है। कह रहा हूँ उसे तू भूल जा। मामा, उस लड़की की आंखें। ए, बोला ना उसे भूल जा। मामा, आप रुको, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मामा की बात सुन लेना। मामा बोलो, मामा मैं सुनूंगा। देख, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना ही अच्छा होता है। कुछ लड़कियों को देखकर आरती उतारने का मन करता है, वही कुछ लड़की को देखकर हाथ जोड़ने का मन करता है। ये दूसरी टाइप की है, दूर से ही उसके हाथ जोड़ लो पर घर पर लेकर मत आओ। लड़कियों की वजह से कई युद्ध हो चुके हैं यार, और इनकी ही वजह से भूकंप और सुनामी आ जाती है भांजे। मामा, उस लड़की से दोबारा मिलने का मन कर रहा है, डांट खाने का मन कर रहा है। मामा, हे भगवान, अब तो मुझे गुस्सा मत दिलो। मामा, ऐसा नहीं है मामा। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझसे कौन बचाएगा इसको? हट जा, छोड़ूंगा नहीं, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। अरे थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। उस लड़की ने कहा वो मुझसे मिलेगी। ए, छोड़ना, लगता है तू ही दबा के मुझे मार देगा ना, छोड़ दे प्लीज। शिट, किसी ने देखा तो नहीं ना? कैसा हो गया यार? ये आपकी कार है? मैं देख नहीं पाया जी, सॉरी। ये सॉरी कौन सा सॉरी है? आई एम रियली सॉरी जी। अरे सुनिए, आपकी कार तो कोई और ले जा रहा है। मैंने कहा कि वो मेरी कार है। तो फिर मैंने आपको सॉरी क्यों बोला? ये खुद से पूछ। ठीक है, मुझे जाना है, बाय। सुनिए, आपने कहा था फिर मिलेंगे। मिले तो है ना? तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चल रही हूँ, मैं कंपनी दे दूंगा। ओके, स्टार्ट करो। क्या? बात कुछ और करनी होती है, कहते कुछ और हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वही बोलो ना। आपका बॉयफ्रेंड है क्या? इतनी खुश रहती हूँ इसका मतलब है कि कोई नहीं है। यस। आपका नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे, कल तुम्हारे होने वाले बच्चों का नाम रखोगे। मतलब आपको बुलाने के लिए आपका नाम तो पता होना चाहिए ना। तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ, मैं सुन लूंगी और हाजिर हो जाऊंगी। मतलब आपके अंतर्यामी हो? बहुत बेकार जोक था, अब आगे बढ़ो। तो आपका फोन नंबर? मतलब किसी भी नंबर पे कॉल करूंगा तो आपसे बात नहीं होगी ना। होशियार बनता है। 903-2344-3। लास्ट टू नंबर मिसिंग है, गेस कर लो। Where there's a will, there's a way, यार। मेरी कैब आ गई। आपने कहा था चलकर जाएंगे। अब तक चल ही तो रही थी। अब अपनी बाइक तक जाने के लिए ऑटो बुलाऊं? बिल्कुल सही कहा, चलो ऑटो। हेलो, कौन बोल रहा है? Where there is a will, there is a way. खुशकिस्मत हूँ। बहुत खुशकिस्मत हो, अभी पेट्रोल पंप ही जा रही थी। बाय। क्या हुआ, फोन काट दिया उसने? अब तू समझा?
तू नहीं बदलने वाला। वो भला पेट्रोल पंप पर क्यों है मामा? ये तू उसी से पूछ ले, मेरे से मत पूछ। हेलो। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस फोन नंबर मिलेगा या नहीं ट्राई कर रहा था। कितनी देर से ट्राई कर रहे हो? 1 आवर। तुम 1 आवर से ट्राई कर रहे हो? हाउ स्वीट। मतलब तुम्हें सच में कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है बताओ फोन क्यों किया? वो बस आप ठीक से घर पहुंची हैं या नहीं ये जानने के लिए। क्या करेगा जानकर, मेरी विकिपीडिया में लिखेगा क्या? तूने कभी अपने मॉम डैड के बारे में इतना सोचा है? मैं लड़की हूँ इसलिए इतना सोच रहा है क्या? इट्स ओके, सो स्वीट। मामा हाँ, अभी उसने डाटा या तारीफ की? अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स साइकोलॉजी पेज नंबर 92। अरे बस करो। क्यों नहीं रखता हूँ, मेरे माँ बाप का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। Cheers. हमारी फैमिली की टैगलाइन जानता है क्या? पीओ और जियो। बेटा हो तो तुम्हारी तरह। इतना पर्सनली क्यों ले लिया इसने? बोलो फिर से कब मिले? किस लिए? फोन नंबर पता कर लिया ना, अब आपके बारे में और जानने के लिए। ओके आज फ्राइडे ही है ना? हाँ आज फ्राइडे ही है, कल सैटरडे ही आएगा, लेकिन प्लेस बताइए प्लीज। ठीक है तुम मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगी। प्लीज मैसेज करने के लिए कहा मामा मुझे? ऐसा कहा क्या? तो बोल मेरे लिए एक वाइन लेकर आए। मामा आपको ज्यादा चढ़ गई है, आप सो जाओ। और एक बार सोच कर देख सकती है ना मेरे लिए? मॉम जब सोचना ही बेकार है तो किसी के लिए भी सुनो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी कोई रूल है क्या 25 इयर्स के आते ही शादी कर लो? 25 इयर्स के बाद भी शादी ना करूं तो क्या मुझे जेल में डाल देंगे? 25 इयर्स रूल के बारे में तू मुझे समझाएगी? 25 साल पहले मैं 25 साल की हुई थी, मैं तुझसे दुगनी उम्र की हूँ, तू अभी तक 25 साल की नहीं हुई ना, तो इसे समझा। अगर इसने मुंह खोला ना मॉम तो चप्पलों से पिटेगी। तू ऐसे नहीं मानने वाली, तुझे अभी बताती हूँ। काट रही हूँ। काटिए। अगर मेरे 5 गिनने तक तू शादी के लिए राजी नहीं हुई ना तो मैं अपनी नस काट लूंगी। मॉम इतनी तकलीफ क्यों, मैं गिनती हूँ ना। मेरे लिए गिनोगी? हाँ। सच में? गिनो। 1 2 3 4 5 काटिए। ए शादी करने में जल्दबाजी नहीं है, गिनने में इतनी जल्दी क्यों? हाँ। धीरे धीरे। हाँ, ओके, ओके। माँ की जान है। हाँ ठीक है, रेडी। 1 ऐसे क्यों कर रही है? तो चुप रह। 3 4 5 काटो। बेटी अपने लिए ना सही, मेरे लिए तो कर ले। मॉम आपको चाहिए तो आपके लिए दिन में 2 बार ब्रश कर लूंगी, शादी मुझसे नहीं होगी। मेरी बात नहीं मानेगी? आप भी तो मेरी बात नहीं मानती। ये लड़की कितनी जिद्दी है। थैंक यू। तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, पढ़ लो। ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। मैं नहीं आई तो ट्रक के नीचे जान देने की सोच रहे थे? अगर मुझे थोड़ी सी देर और हो जाती ना तो ट्रक ड्राइवर को जेल हो जाती। अभी अभी तुमने कहा मिलते हैं, कब कहा ये नहीं बताया, फोन नहीं किया, क्या समझूं? एक तो मैं पागल, दूसरा मुझे ढूंढ रहे हो तो तुम पागल, तेरी समझ नहीं आता क्या? टू हॉट, गुस्सा आ रहा है, समझती हूँ गर्मी जो हो रही है। हे आइसक्रीम खाओगे क्या, ठंडे हो जाओगे? रुको रुको भैया 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 आइसक्रीम। क्या हुआ, पहले तो बॉयफ्रेंड की तरह चिल्ला रहे थे। डरने के लिए बॉयफ्रेंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ अभी डर गए थे कहोगे, फिर थोड़ा अलर्ट था कहोगे, उसके बाद कहोगे ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। ना ना मुझे नहीं चाहिए। क्या करूँ मुझे तो बहुत भूख लग रही है। एक और आइसक्रीम खाना चाहोगी? खाना खाऊंगी, मेरा घर यही है। मतलब यहाँ घूमने से मना कर रहे हो? वहाँ चलते हैं ये कह रहा हूँ। कौन है? मैं हूँ। मैं मतलब कौन बेटा? ये आप बताइए। वो माँ मेरी फ्रेंड है ये। ओहो क्यों बताया? वो मेरी माँ तुम्हें नहीं जानती ना इसलिए। हाँ? क्या हाँ? तुम्हारी माँ मुझे नहीं जानती? आंटी आप सच में नहीं जानती क्या? अभी भी कुछ नहीं बताया? नहीं बताया बेटा। हाँ? आंटी मेरा नाम 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 मेरा नाम तुम्हारा नाम मूड होगा तब बताऊंगी। अभी आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खिलाइए ना। बोलिए पापा। कौन है वो लड़की? वो पापा नाम भी नहीं बताया? नहीं पापा। बेवकूफी रहेगा। बहुत भूख लगी आंटी, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हाँ
पापा कल उसके साथ फिल्म देखने जाना है। हाँ तो जाना, पूछना क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे पापा बैंक मैनेजर है, खूब पैसे होंगे, इसलिए दो दो पॉपकॉर्न दो दो कोल्ड ड्रिंक्स मत खरीदना। एक पॉपकॉर्न एक कोल्ड ड्रिंक्स, अगर लड़की और मांगती है तो देख लेना। क्यों? ठीक है, एंजॉय। अंकल पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बाय अभी। अरे तेरे बाप के नाते फ्रेंड के नाते एक राय दूं क्या? शादी करनी है तो ऐसी लड़की से करो, पूरी लाइफ कलरफुल हो जाएगी। रोज होली खेलना बेटा। पक्का पापा, थैंक्स। टिकट्स मिल गई। उन लोगों ने मुझे रुलाया। क्यों सपोर्ट कर रही हो? उन्होंने रुलाया तो मैंने मारा, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा रुलाया है तो तुम्हें भी रुलाना चाहिए ना, मारा क्यों? इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था, तुम कैसे रिएक्ट करोगे देखना चाहती थी मैं। क्या हुआ? मैं क्या तुम्हें कॉमेडियन लग रहा हूँ या लाइफ को रियलिटी शो समझ रखा है तुमने? सिचुएशन क्रिएट करके रिएक्शन कैप्चर करना है तुम्हें। मुझे नहीं लगा था तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। तो और कैसे रिएक्ट करते हैं? मुझे जो पसंद है, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, उन्हें कुछ कहे तो ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? ठीक है या नहीं? क्या ठीक है? मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया है, बेवकूफ। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई लव यू। आई विल किल यू। ऑटो। क्या हुआ, जवाब नहीं दोगी? कल दूंगी। ठीक है, कहाँ मिले? डेस्टिनी, जहाँ मिला है वहाँ। फिर 6 दिन के लिए वो गायब ही हो गई। समझ नहीं आया क्या करूं। लगता था हर कॉल शायद उसी का है। फिर आगे क्या हुआ? वो आंटी, हेलो आंटी, वो लड़की का नाम अभी? यस आंटी। कम इन। तुम नाम नहीं जानते उस पगली लड़की का? चंद्रकांता, मेरी माँ ने रखा था। चंद्रकांता वो है क्या आंटी? नहीं है। कहाँ चली गई आंटी? पता नहीं, पता होता तो अच्छा होता। ये क्या आंटी, आपको बिना बताए कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? वो आज मिलती है तो कल गायब हो जाती है, दोबारा कल कहाँ से आती है पता नहीं। हे भगवान, वो पागल है आंटी, दिमाग खराब कर रखा है उसने मेरा। तुमने पी है क्या? वो फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा। कांता बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, जल्दी समझ में नहीं आती, वही करती है जो उसे पसंद है, किसी के लिए वो नहीं बदलती। ये भी नहीं चाहती कि कोई उसके लिए बदले, पहले वो खुद के लिए है, उसके बाद दूसरे के लिए। हम अक्सर सब ज्यादातर घर में ही रहते हैं, लेकिन घर का मतलब चार दीवारें नहीं, माता पिता मिलकर खुशी खुशी रहने वाली जगह है। ऐसा घर मैं और कांता के पापा उसे नहीं दे पाए। हमारी भी लव मैरिज हुई थी, हमें लगा प्यार करते हैं तो शादी कर ली। कांता के पैदा होते ही
हमें समझ में आया कि हम दोनों का नजरिया और सोच बहुत ही अलग है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे, कभी कभार तो हाथ भी उठ जाता था। डिवोर्स होने के बाद हमारे झगड़े तो रुक गए थे, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था उसे नहीं रोक पाए। जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसका असर कांता पे हुआ। वो इंसानों पे भरोसा नहीं करती। रिश्तों से तो बचपन में ही उसका भरोसा उठ गया था। जब मन करता वो घर आती और जब मन करता वो घर छोड़ के चली जाती। अभी तो मैं हूं, बाद में क्या होगा? रात दिन यही सोचती रहती हूं, मेरे बाद उसका क्या होगा? वो जितनी भी देर घर में रह ले, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कम है। वो आती तो जरूर है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। इसलिए ये सारी फोटोज खींचकर लगाती हूँ। वो घर में हो ना हो, तब ये फोटोज देखकर खुश होती हूँ। ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपनी फ्रेंड मीरा के बाद वो तुम्हारे बारे में ही बात करती है। आई थिंक शी लाइक्स यू, आई डोंट नो व्हाई, पर जब भी तुम्हारे बारे में बातें करती है तो उसकी आंखों में खुशी झलकती है, एक ब्राइटनेस। मुझसे एक वादा करोगे बेटा? बोलिए ना आंटी। फ्यूचर में तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आई कांट लिव फॉर एवर। मेरे ना रहने के बाद कोई उसका ऐसा हो कि वो इंतजार करे। वो खुशियां तुम उसे दोगे ना बेटा? वो खुशियां उसे दोगे ना? श्योर आंटी। मुझे तो मैं उठाता हूँ। तुम यहाँ कैसे? मेरे घर गए थे क्या? सब पता चल गया? हाँ, सफर अच्छा रहा ना चंद्रकांता? तुम्हारी नहीं, मेरी मॉम की गलती है। ओके, आज ही क्यों आई हो? मेरी मर्जी, मेरी ट्रिप खत्म हो गई तो आ गई, तुम्हें क्या? मैं जानता हूँ तुम क्यों आई हो। हाँ ठीक है ठीक है। आज मेरा बर्थडे है तो सरप्राइज देने आई हो ना? मैं सच में नहीं जानती थी, पता होता तो बिल्कुल नहीं आती। शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं। हाँ हाँ, उसी के लिए आई हो। बिल्कुल नहीं आई हो। ठीक है, वैसे अब आ ही गई हूँ ना, तो ये लो और बैग उठा के लाओ। शाम को क्लब आ जाना, पार्टी मेरी है, बिल तुम भरोगे, ठीक है? Baby party night, baby go crazy, just go crazy. Friday night, baby party night, baby go boozy, just go hazy. Friday night, baby party night, baby nachenge, shot marenge. Friday night, baby party night, baby aayega ab to full maza. Baby, go crazy. Hey baby, yeah. आज मिला है रानी मौका, आजा कर ले संग में डांस, छोड़ दे तू लाज शर्म, कर ले डांस में रोमांस, yeah. आजा मौज तू कर ले, थोड़ी मस्ती तू कर ले, ये प्यार की एज है, खुल के प्यार तू कर ले, रानी ये है लकी चांस, कर ले इंग्लिश वाला डांस, कर ले आज मौज तू, कल है किसने देखा? Friday night baby party night baby go crazy, just go crazy. Friday night, baby party night, baby go boozy, just go hazy. Friday night, baby party night, baby nachenge, shot marenge. Friday night, baby party night, baby aayega ab to khub maza. Hey baby, go crazy. Hey baby.
ये आजा आजा आजा, अरे थोड़ी सी तू पी ले, टाइम कम है जल्दी इस पल में लाइफ जी ले। टल्ली होके ना जाना, ड्राइवर को फोन घुमाना, बस स्माइल तू देखा, कर दे तू हंगामा। जाने जा दिल डोला, तेरी जवानी है शोला, पार्टी का तू ले मजा, जलवे अपने तू दिखा, जोर जोर से कमर हिला, इंग्लिश वाला दिखा दे डांस। फ्राइडे नाइट बेबी पार्टी, नाइट बेबी गो क्रेजी, जस्ट गो क्रेजी। फ्राइडे नाइट बेबी पार्टी, नाइट बेबी गो बूजी, जस्ट गो हेजी। फ्राइडे नाइट बेबी पार्टी, नाइट बेबी नाचेंगे, शॉट मारेंगे। फ्राइडे नाइट बेबी पार्टी, नाइट बेबी आएगा अब तो खूब मजा। मुझे आंसर चाहिए। शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर? मतलब कल रात जो हुआ मुझे उसकी क्लैरिटी चाहिए चंद्रकांता। न्यूज़ चैनल शुरू कर दो, मना करने के बावजूद भी फुल क्लैरिटी। आई एम सीरियस। ओके अभी लेट मी एक्सप्लेन। अब तक तुमने कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, इसलिए तुम मुझे क्यूट लगे। रिलेशनशिप में मुझे तुम्हारे लिए बदलना होगा, तुम्हें मेरे लिए बदलना होगा। मैं नहीं बदलूंगी, ना ही चाहती हूँ कि तुम बदलो। देखो सिंपली कहूँ तो मैं एक सुनामी जैसी हूँ, कब कैसे क्यों आती हूँ मुझे खुद नहीं पता। मुझे लगता है प्यार और शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्रीडम ना हो तभी तुम्हें प्रॉब्लम है। वो फ्रीडम मैं तुम्हें दूंगा, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। हेलो, नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर, आप मिल सकती हैं। मॉम, मॉम, अभी डॉक्टर, मॉम, डॉक्टर, रूठोगे तुम इस तरह, छोड़ दोगे तुम ये जहां। सीखा तुमसे ही हमने जीना, कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। गए ऐसे फिर तुम के लौटे ना, मन रोए, मन रोए। गुजरा वो जमाना भूलेंगे हम ना, हंसना गाना साथ में तेरा। दुख भी था बांटा, सुख भी था बांटा, हर गम में दिया है सहारा। हम जब भी
हारे थे, दिए तुमने सहारे थे, हर पल थे तुम साथ में। ओ, अब पल वो सुहाने हैं, याद हमें वो आते, खुशियों का मंजर भूले ना। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं बेटी। कांता, जनरली जब एक इंसान को पर्सनल लॉस होता है उनसे क्या कहें ये समझ नहीं आता। मैंने बहुत सोचा तब समझ आया कि कहना नहीं करना होगा। मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शायद तुम्हारे दुख को मिटा ना पाऊं, लेकिन अगर तुम परमिशन दो तो उस दुख से लड़ने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा लाइफ लॉन्ग। मुझे घर ड्रॉप कर दोगे क्या? अभी मॉम की याद आ रही है। मैं 9 बजे तक आता हूँ, डिनर पर चलेंगे। नहीं अभी, आई विल स्लीप टुडे। हम कल मिलते हैं ना। सुबह मेरे आने तक फिर से गायब तो नहीं हो जाओगे? दस बजे तक आ जाना, अभी मैं तैयार रहूंगी। ओके, बाय बाय। कांता, 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 दरवाजा खोलो। उस दिन चंद्रकांता के घर गया था। कांता, वो नहीं थी। मुझे लगा हमेशा की तरह गई होगी, कुछ दिनों में आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। क्या करूं, कहां ढूंढूं, समझ में नहीं आ रहा था। प्यार और शादी पर से भरोसा ही उठ गया। उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में मुझे बहुत वक्त लग गया पूजा। मेरी लाइफ में तुम्हारे आने के बाद ही फिर से मुझे जीने की उम्मीद जागी। थैंक यू पूजा, आई थॉट यू शुड नो दिस, इसलिए। थैंक्स अभी, मैं समझ गई कि तुमने ये सब क्यों बताया मुझे। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब मेरा है। I'll always be there for you, चाहे जो भी हो जाए। टेंशन मतलब मोती बिखर जाएंगे। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। 20 सेकंड फिक्स कर दीजिए अंकल। गोविंदा, गोविंदा। घर पहुंचते ही मैसेज कर देना। बाय। ओके बाय अभी।
थैंक यू। इसे रिफिल करके लाओ ना, सेकेंड हाफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब कब तक अपना थोबड़ा ऐसे बनाए रखोगे? ये कैसा रिएक्शन है? मुझे लगा मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो तुम हवा में उछल उछल कर गुलाटियाँ मारने लगोगे, या लगा था कि मुझे तरह तरह की भाषा में गाली देते हुए चिल्लाओगे? This is something new. अभी चिल्ला रहा हूँ लेकिन अंदर से ये फीलिंग बाहर नहीं दिखा सकता। क्या कहा? सही कहा। और क्या हालचाल है? पागल हो गए हो क्या तुम? हालचाल क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, वैसे ही तुम अचानक आ गई। वैसे अभी आई एम सो सॉरी, बिना बताए जाने के लिए, फोन पर बात ना करने के लिए, ऐसे अचानक से वापस आने के लिए। देखो तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है। तुम जानते हो ना टाइम खराब चल रहा था। Exactly. क्या? कुछ नहीं। अरे वो सारी बातें छोड़ो ना, दरअसल मुझे तुमसे बहुत बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे अचानक आने की वजह से तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। ठीक है, घर चलकर लंच करते हुए बात करते हैं। चलो घर। तुम नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों? वो माँ ने मन्नत, माँ ने कोई मन्नत मांगी है। घर में सिर्फ मुझे रहना है, मैं अकेला ही रह सकता हूँ। तुम? वो भी अकेले, कल रात की तरह? वो आज से शुरू है। वो क्या है ना, मैं आजकल थोड़ा इसलिए मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। ये कैसी मन्नत है? बड़ी बेकार की मन्नत है। हाँ सच में बेकार की मन्नत है, मुझे अकेले कोई रहना है ना तो फिर। ठीक है, मुझे समझ आ गया। बार बार तुम ये अकेले अकेले मत कहो। और कितने दिन चलेगा ये सब? वो यही कोई चार पाँच दिन। मुझे मीरा के घर ड्रॉप कर दोगे? हाँ। चलो थैंक यू। चलो जिंदगी में कभी भी, सुन रहा है, कभी भी किसी ने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की होगी कि समझना है कैसे रिएक्ट करना है। ऐसा किसी ने फेस नहीं किया होगा। वैसे तुझे हो क्या गया है यार, जिसने तेरे चेहरे की हवाइयां उड़ा रखी हैं? कांता आ गई। कांतम, ये कौन सी बीमारी है? है चंद्रकांता यार। हाँ ऐसी सिचुएशन के बारे में ही बोल रहा हूँ। धुआं ही निकलता है अंदर से। अरे भांजे, बोतल गिरी, आवाज आई वो ठीक है। हाँ। सिगरेट पिया, खांसा वो भी ठीक है। हाँ। ये प्लेट्स गिरने की आवाज कहाँ से आई है? हाँ। मामा जी, माँ, दीदी, जीजू, भांजे, तेरे माँ बाप है यार। मतलब अब शादी से इनकार कर देगा क्या? तू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा और पूजा को ठुकरा कर शादी कांता से करेगा? अगर तू ऐसा करेगा ना तो उसकी फैमिली के लोग तेरे पापा और मुझे चप्पल से मारेंगे। अभी अभी हम लोग उनसे समधी जी समधन जी कह के बातें कर रहे थे। इस लड़की को इसी वक्त आना था क्या? वैसे मैं एक बात बताना भूल गई। अभी अभी मैं 4 डायमंड की चूड़ियां और 20 तोला सोना मैं तो उसे बहु मान कर पूजा को दे कर आ रही हूँ। क्यों रे, तेरी माँ इतना नाटक कर रही है और तेरे चेहरे पे इतना भी एक्सप्रेशन नहीं है। महाभारत, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चुप हो जाओ। एक बात बताओ, पूजा कांता के बारे में जानती है? जानती है। पूजा के बारे में कांता जानती है? नहीं। ओ, पूजा को पता है या कांता नहीं पता? कांता को पता है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है? नहीं पता। पता चलेगा तो वो क्या करेगी तुम जानते हो? नहीं। दोनों का आमना सामना होगा तो महाभारत छिड़ सकती नहीं है। पता। ये बता, अभी तुझे क्या करना है पता है? नहीं। आपको पता है इसे क्या करना है? मुझे? हाँ। नहीं पता। कुछ तो बोलो मामा। जब बाप बेटे को नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा? अबे नहीं पता था तो सवाल क्यों किए इतने? आप कर रहे थे, मैंने भी कर लिए। ओहो, मामला गड़बड़ है।
भैया सिगरेट है क्या? लोग किसी से माचिस मांगते हैं और तू ये कि मुझसे सिगरेट मांग रहा है? प्लीज भैया, मेरे पास नहीं है। तो पैसे दे दो, एक खरीद लूंगा। ए, कौन है तू? भैया अगर आप मुझे सिगरेट दिला दोगे तो आज से मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिगरेट चाहिए ना भैया। देख मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ और तू यहाँ से नहीं गया तो मेरे हाथ से बहुत पिटेगा। क्या कहा आप टेंशन में हो भैया? सुनो भैया सिगरेट पीने से तो सारी टेंशन दूर हो जाती है। तेरी तो रुक। क्या हुआ भैया, आपके पैसे गिर गए हैं क्या? अभी तुझे बता दो। बहुत देर हो गई ना मुझे, सॉरी ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। चलो भैया वो ड्रेस दिखाइए ना, वो भी। अभी तुमने कुछ खाया है या नहीं? कंफर्टेबल तो हो ना? एक्सक्यूज मी कैन यू गेट अस सम जूस प्लीज। ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पर? हाँ बहुत अच्छा। करना था। तो हम दोनों सेम कलर लेते हैं। अब हेलो। अरे हेलो, अभी कितनी बार कॉल करना पड़ेगा तुम्हें? वो एक छोटी सी मीटिंग में हूँ। ठीक है, मैं बोर हो रही थी, तुमसे मिलने के लिए मैं निकल चुकी हूँ। कहाँ आना है मैसेज कर दो। वो नहीं, अभी मिलना जरूरी है क्या? जरूरी का क्या मतलब, मैं अब तक आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ। बताओ कहाँ आना है? वो नेशनल पार्क में मिलते हैं, मैं तुम्हें आकर पिक करता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। अभी आई एम डन, तुम्हारी शॉपिंग के लिए चले। वो मुझे ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आया था, मुझे कुछ पेपर्स सबमिट करने हैं तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी सब ठीक है ना? हाँ सब सब ठीक है, बाय, सी यू। हाय। क्या है, ऐसे काम छोड़ के आने को होगी तो कैसे चलेगा? वहाँ वैसे ही एंगेजमेंट शॉपिंग। एंगेजमेंट शॉपिंग किसकी? वो एक फ्रेंड की है। कौन सा फ्रेंड? एक फ्रेंड। मैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, कौन है? फ्रेंड की नहीं है, मामा की। अरे ठीक से बताओ, मामा है या फ्रेंड? फ्रेंड जैसा मामा, मामा जैसा फ्रेंड, मामा की है। मामा की शादी है तो मुझे क्यों नहीं बताया? कहाँ है वो? नहीं है। मामा के बिना शॉपिंग कैसे कर सकते हो? नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं। नहीं नहीं, चलो मेरी बात तो सुनो, जल्दी चलो। ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा टाइम पर। तुम भी दो टी शर्ट्स खरीद ही लो। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी अभी सिगरेट पीकर आया हूँ। किसने दी? हद है, उसकी सिगरेट से तुम्हें क्या मतलब? जब किसी को सिगरेट देने का जिगरा ना हो तो उसे सिगरेट के बारे में पूछना भी नहीं चाहिए। क्या सर को समझ में आ गया मैडम? पहले तुम अपना मुंह बंद करो और कोई अच्छी सी पर्पल शर्ट है तो फिर वो दिखाओ। पर्पल कलर की क्यों? पूजा को वही पसंद है, वही मैच होगा। पूजा कौन है? फियांसे। ओ, मामा की फियांसे। वैसे ही का क्या मतलब? अब तक कंफर्म नहीं हुआ है क्या, या अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है? तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो बस थोड़ा कंफर्म कर रहा था जी। तू ये सब की टेंशन मत ले, बस पहले मैचिंग शर्ट दिखा। क्या मैचिंग मैचिंग कर रहे हो यूनिफॉर्म की तरह, आप कॉन्ट्रास्ट में कुछ दिखाइए। अरे नहीं 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 नहीं, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वो मामा ने यही शर्ट मंगाई है। चुप करो, उन्हें पता होता तो कब की शादी हो जाती। वैसे वो एंगेजमेंट की शॉपिंग किए बिना कहाँ घूम रहे हैं? पता नहीं कहाँ है बेवकूफ। मामा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामा फिल्म देखने आया था, पसंद नहीं आई तो यहाँ आ गया। अच्छा किया। तुम पागल हो क्या? ये एंगेजमेंट की फिक्र में अकेले शॉपिंग किए जा रहा है और तुम मॉल में ठाट से घूम रहे हो। एंगेजमेंट के बारे में बता दिया? मच्छर मच्छर, मुझे बताने की एक बार भी जरूरत नहीं समझी? वो क्या है, किसने बोला था किसी को ना बताया इसलिए नहीं बताया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुझे सिगरेट की तलब लग रही है ना? हाँ दिखा, ये ले जाकर बाहर पी ले। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, सिगरेट के लिए 500 रुपए ये पकड़ ले, चल निकल। कहाँ चली गई थी तुम तो जानती हो। अरे मामा तुम खड़े क्यों हो, पहले कांता को सॉरी बोलो। एंगेजमेंट होने पर भी सॉरी बोलते हैं क्या? हाँ एंगेजमेंट फिक्स हो तो सॉरी बोलना चाहिए ना। तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हुई तुमने मुझे नहीं बताया, सॉरी बोलो। सही कहा, सॉरी। एक और बार। एक बार और सॉरी। ठीक है मामा।
अब शर्ट देखते। अब ये शर्ट मेरे लिए है ना? एंगेजमेंट आपकी है ना मामा, तो शर्ट आपकी होगी ना। सुनो कांता, तुम अनजान होकर नाटक करो, मैं जानकर नाटक करूंगा, ठीक है? क्या एंगेजमेंट है ना, थोड़ी टेंशन हो रही है। कांता वो मुझे ऑफिस में छोटा सा काम है, तो मामा आ गए ना, तुम मामा के साथ घर चले जाना, मैं तुमसे रात को बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा तुम रात में मीरा के घर आओगे ना, तुमसे कुछ बात करनी है। ओके डन। ओके बाय बाय, लव यू मामा, लव यू टू। अच्छा बताओ एंगेजमेंट में कैसा लगेगा इसको? हेलो पूजा, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो अभी? जानते हो कितनी बार फोन ट्राई किया, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। वो मेरा अभी काम खत्म हुआ है ना, शायद यहाँ सिग्नल नहीं है, मैं ऑफिस से बस निकल ही रहा हूँ। मैं तुम्हारे ऑफिस में ही हूँ। तुम एक हफ्ते से छुट्टी पर थे, ऐसा क्या जरूरी काम था कि मुझसे झूठ बोलना पड़ा अभी? पूजा वो एक्चुअली मैं अभी, मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गिल के साथ बात करना, झूठ बोलकर पकड़े जाना, तुम बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हो। कोई तो परेशानी है तुम्हें, उसे तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ क्या बात है अभी? पूजा वो चंद्रकांता वापस आ गई। कब? 3 दिन हो गए। तो इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है अभी? मतलब समझ नहीं आ रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी। इसमें रिएक्ट करने जैसा क्या है अभी? अगर वो आ भी गई तो आने दो। देखो अभी मुझसे ये सारी बातें छुपाकर फिर ऐसे स्ट्रेस लेकर बाद में इस तरह से गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चाहे जो भी हो मुझे साफ साफ बताओ, कोई भी परेशानी हो हम मिलकर सुलझा सकते हैं। इतनी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस लिया तुमने इतने दिनों तक, पागल हो तुम? कहाँ है वो अभी? एक बार मिलवाओ मुझे, मैं भी मिलना चाहती हूँ तुम्हारी फर्स्ट क्रश से। मीरा नहीं है? एक्चुअली उसे कोई कॉल आया था तो चली गई। आई थिंक शी विल जॉइन अस। ओह ओके। इट्स रियली नाइस अभी तुम्हारे साथ ऐसे। आई रियली मिस्ड यू। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कहूंगी। आई लव यू अभी। Are you okay? कहीं तुम्हारे पेट में पल रही इस बच्चे की माँ मैं तो नहीं? मेरी शादी फिक्स हो गई है कांता, अगले 2 दिन में मेरी एंगेजमेंट है, और आज की शॉपिंग सनी मामा के लिए नहीं मेरे लिए थी। तुम इस शादी से खुश हो?
तो मेरे पीछे पागलों की तरह क्यों पड़े थे तुम? तुमने कहा मैं तुम्हें पसंद हूँ, आई लव यू भी कहा। मैं कुछ दिन गायब क्या हो गई, तुमने दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया? तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो क्या अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कांता। दरअसल हुआ ये कि उस दिन एक साल हो गए तो चेहरा देखो अपना। मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में पहले से पता था, वो तुम्हारा रिएक्शन देखना था तो बस प्रैंक किया। तो तुम्हें ये मंजूर है? मुझे मंजूर है। I'm so happy for you अभी, congratulations। लड़की का नाम? लड़की का नाम? फोटो है? फोटो, one minute। बाद में देख लूंगी। Actually अभी can you go? अरे अभी क्या हुआ? Girl things, तुम्हें समझ नहीं आएगा, जाओ। पूजा एक बार तुमसे मिलना चाहती है। बाद में मिल लूंगी अभी। भैया ठंडी ही अच्छी होती है यार। अचानक ये मीटिंग किस लिए? वैसे आप क्या लेंगी? बियर, रम, विस्की या वोडका? लड़कियों वाली? पूजा तुम्हारी फियांसे है ना? पूजा और मैं 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों रिलेशनशिप में हैं 3 साल से। इन दोनों में से एक पकड़ो। इसके लिए ये सब क्यों? पहले ही व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर भेज देते तो पकड़ लेता मैं कौन सी है। मैंने सोचा उंगली पकड़ोगे तो नहीं मारूंगी। तो क्या फिर से मारोगी? बाप रे, समझ गया। अभी के झूठ का लगता है मैं बलि का बकरा बन गया। पूजा के बारे में पहले ही क्यों नहीं बताया? जानता हूँ वो मैनर्स नहीं है, तुम जो करे वो भी नहीं है। अभी सेड शी इज माय फियांसी, दैट मींस वो मेरी होने वाली बीबी है। उसने मुझे ऐसे ही बोला कहने के लिए। अरे बस करो, ये मेरा गाल है, बजाने वाला तबला नहीं है जो बजाए जा रही हो तुम। देखो कांता, मेरी बात सुनो। बताओ पूजा कैसी दिखती है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो लड़की तरह नहीं लगती है। वो मोटी भी है और मुझसे सांवली भी है, एकदम काली भैंस। अभी ने हाँ क्यों बोला मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। समझ गया, जानता हूँ तुमसे हाइट में थोड़ी बड़ी है और वो गोरी भी है, बाल उसके लंबे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह बार में नहीं आती वो। I'm sorry, मामा। अब तुम ही बताओ, अभी के लिए मैं सही हूँ या पूजा? सही क्या है, गलत क्या है, ये तो उसे ही डिसाइड करना है ना, या मैं करूँगा? मुझे लगता है ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, इसलिए उसने एंगेजमेंट कर ली है। सुनो, अभी एंगेजमेंट हुई है ना, शादी तो नहीं हुई, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद सोच लो। इन दोनों में से कोई एक पकड़ो। दोबारा उंगली क्यों पकड़ूं मैं? उंगलियों से मुझे नफरत है, फिर मारोगी। ये उसके लिए नहीं है। फिर? हम दोनों में से कौन बेटर है? हम दोनों में से तुम ही बेटर हो। यस, आई न्यू इट। ये पूजा है और ये मैं हूँ, अभी के लिए मैं ही सही हूँ। बाय बाय। ये वाली पकड़ता तभी वो मुझे मारती। चंद्रकांता ना? पूजा, चंद्रकांता, चंद्रकांता, पूजा। हाय। हाय कांता। यू कैन कॉल मी चंद्रकांता। अरे इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है यार? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें पागलों की तरह घूरती। मुझे तुम्हारा ड्रेस बहुत पसंद आया। थैंक यू। अभी से कैसे मुलाकात हुई? घर पर रिश्ता देख रहे थे,
वैसे ही एक दिन अभी की फोटो मेरे सामने आई, तुरंत हाँ कर दिया। फोटो नहीं आती तो आने तक का इंतजार करती, इतने दिन वेट तो कर रही थी। मतलब जब मैंने इसे स्कूल में देखा था तब से प्यार करती हूँ। इज माई फर्स्ट क्रश एंड माई ओनली क्रश। मतलब हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बहुत खुशी हुई दैट यू आर बैक। कभी कभी मुझे लगता था शादी के वक्त तुम भी यहाँ रहोगी तो कितना अच्छा होगा। अभी के लाइफ में तुम भी तो बहुत इम्पोर्टेंट हो। एंड नाउ दैट यू आर हियर एंड तुम्हारी ड्रेसिंग स्टाइल देखने के बाद मैं तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ। अभी के साथ जाकर एंगेजमेंट रिंग खरीदने में मदद कर दो, तुम्हारी पसंद अच्छी होगी। मैं जानती हूँ मेरी। हाँ ये रिंग कैसी है? ये तो अच्छी है ना? क्या रिंग्स पहनने का मतलब है तुम दोनों कमिटेड हो? रिंग्स पहनने का मतलब ये नहीं कि कमिटेड है, लेकिन उस कमिटमेंट को याद दिलाने के लिए ये रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर्स के लिए ये रिंग्स नहीं खरीदनी चाहिए, थोड़ी से साबुन से फिसल जाती हैं। इससे तो एक दूसरे का नाम टैटू करवा लो। ओके तुम्हारी शादी में ऐसे करेंगे, लेकिन हमारे लिए रिंग्स काफी है। तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ ये अच्छी है? ये कैसी है? ये अच्छी है? ये अच्छी है। ये लड़कियों के हाथ में और भी अच्छा लगेगा, एक बार मैडम पर ट्राई करके देखिए। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये देखो। ये अच्छी है, पैक कर दीजिए। ये ले पहना दे। अंगूठी कहाँ है? माँ कांता कहाँ है? कांता? अरे बाबू लगता है वो ले गई। आखिर ये चाहते क्या है? पूजा रिलैक्स, आई विल टॉक टू हर, रिलैक्स प्लीज। ना समझ है, भला कोई रिंग छुपाता है क्या? तू सच में यहाँ पे रुकना चाहती है? अगर मैं यहाँ नहीं रुकूं तो क्या एंगेजमेंट रुक जाएगी? कांता बस कर, रुक जा कांता प्लीज। मना कर रही हो ना, रुक जा अब, बस भी कर प्लीज। मस्ती से जी ले, हंस के तू पी ले, टेंशन
कोई कर साइड से जाने दे। ओए नशा कुछ कर जाने दे, ओए मस्ती से जी ले हंस के तू पी ले, टेंशन फिगर साइड से जाने दे, ओए इनोसेंट है ये छोरे सारे, करते हैं नोटी ये इशारे, दिल फेक है ये आशिकों वाले, लगते हैं ये इश्क के मारे, ओए इनसे ज्यादा टेंशन में हूँ थोड़ी सी आज मेंटल में हूँ रे। जीलो ये लाइफ बिंदास जीलो ये यार, बिंदास जीलो ये लाइफ बिंदास जीलो ये, अरे 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 सब क्या लगा रखा है? पीकर आई हो क्या? अभी? ए, चिल्लाओ मत। अरे मारना है तो साइड में ले जाकर मारो मुझे। चलो। अरे उसकी इंगेजमेंट हो गई। बुलाओ मामा उसे। हाय अभी। मांजे, ये नशे में लगती है। संभाल कर बात करना। पीकर आई हो तुम? शुश। ये क्या चल रहा है कांता? दुख है अभी, दुख है। इसी को दर्द कहते हैं। शायद तुमने बहुत ज्यादा पी लिया। चुप रहो। देखने दो, इस सूट में तुम जेम्स बॉन्ड की तरह दिख रहे हो। कांता, ए, चुप रहने के लिए कहा ना? हो गई ना ये तुम्हारी इंगेजमेंट? कांता, अब मुझे भाव नहीं दोगे ना तुम? यू विल बी बिजी विद योर लाइफ, योर पूजा। अभी तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे मेरे घर के सामने? ब्लू शर्ट, फटी हुई जीन्स और सेकेंड टाइम कॉफी शॉप में ब्लैक हुडी, ब्लैक कैप, छुप कर घूम रहे थे। सो क्यूट। उस दिन तुम्हारी आंखों का रंग ऑब्जर्व किया था, ब्राउन। अब पता नहीं, अभी तुम्हारे साथ स्पेंड किया हर मिनट मुझे डिटेल में याद है। तुमने जो कपड़े पहने थे, हम जिन सड़कों पर घूमे थे, कॉफी शॉप्स, उस दिन वेदर कैसा था, शूज, वॉच, परफ्यूम, एवरीथिंग। और देखो खुद को, ऐसे एक्ट कर रहे हो कि हमारे बीच कुछ है ही नहीं। हद है। मैं भी तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारी तरह एक्ट करना चाहती थी,
बट आई कुडंट। कुछ एक या दो महीने लगे होंगे ना, या फिर कुछ दिन। 334 days। चाहो तो कैलकुलेट करके घंटे मिनट सेकंड सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। जैसे तुम्हें हमारे बीच हुआ हर एक डिटेल याद है, ठीक वैसे ही मुझे भी जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी उसके बाद के नरक का हर एक मिनट हर एक सेकंड याद है कांता। समझ नहीं आया था कि क्या करूं। उस दिन प्ले एरिया में आई थॉट वी हैड अ मोमेंट, नेक्स्ट डे चली गई तुम। मैंने सोचा आज आओगी कल आओगी, पागलों की तरह इंतजार कर रहा था। दिन में तुम आओगी उसकी उम्मीद और रात में तुम ना आई उसका दुख। ऐसे ही दिन बीतते गए जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, दारू पीना सिगरेट पीना, वैसी कई चीजें भी की थी मैंने पता नहीं, लेकिन हाँ जब मैं खुद को हर्ट कर रहा था अजीब सा सुकून मिल रहा था मुझे। मम्मी पापा को देखना चाहिए था, दुखी मैं था लेकिन नरक उन्होंने देखा है कांता। और कुछ दिन मेरा इंतजार कर सकते थे ना अभी। अगर मुझे थोड़ा भी भरोसा होता कि तुम लौट कर आओगी तो जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता। क्या तुमने कोई भरोसा दिलाया वेट करने के लिए? जानते भी हो मैं क्यों गई थी। वैसे भी अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं यहाँ? मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि तुम अब मेरे नहीं रहोगे। कांता कांता कहकर अब मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमोगे। मुझे देखते वक्त तुम्हारी आंखों में स्पार्क नहीं होगा। क्या मैंने तुम्हें खो दिया अभी? मैंने तुम्हें खो दिया। अगर पूजा तुम्हारी लाइफ में नहीं आती तो मैं ही तुम्हारी लाइफ में रहती ना। अभी 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 हाँ। अभी जल्दी उठो, मुझे भूख लग रही है। चलो 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 प्लीज चलो। अभी आई एम सो सॉरी, कल रात को नशे में पता नहीं मैं क्या क्या बक गई। देखो उन बातों पर ध्यान मत देना, अभी ये टिकट्स ले लो, ये तुम दोनों की ट्रिप के लिए हैं। तुम ये लोगे तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ कर दिया। इसे एंगेजमेंट का गिफ्ट समझ के रख लो, प्लीज टेक इट। अभी थैंक यू सो मच फॉर दिस सरप्राइज। पूजा तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। आर यू कंफर्टेबल विद कांता? अभी नो पूजा, आई एम सीरियस, प्लीज टेल मी। ओके अभी तुम्हें एक बात बताती हूँ, एक ही बार बताऊंगी, दोबारा हमारे बीच ये टॉपिक नहीं आना चाहिए। नो अभी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हर, बट वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। सरप्राइज। हाय हाय। अभी आती हूँ। क्या हुआ, तुम्हें लगा तुम्हारे बर्थडे के लिए आई हूँ? तुम दोनों यहाँ अकेले हो गए ये सोचकर यहाँ चली आई, मतलब ऐसे हॉलीडेज में कुछ भी हो सकता है ना? अरे वो सब कुछ प्लान नहीं,
मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब झगड़े हो सकते हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। करीना कपूर, शाहिद कपूर, सैफ अली खान। ए भगवान। क्या कहते हो? क्या हुआ, कोई पर्सनल बातें हो रही हैं क्या? पर्सनल? तुम लोग हॉलिडे पर आए हो ना, मैं वेडिंग फोटोग्राफर की तरह आई कैन क्लिक सम पिक्चर्स फॉर यू गाइस। साउंड्स गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू। हैप्पी बर्थडे टू अभी। Happy birthday. Thanks for the surprise. Excuse me. Abhi, zara ye chakkar dekho. This is also yummy. You should taste this. Abhi. Makhi thi usme. ठीक है, दूसरे फोक से खिला देता हूँ। अरे अभी मक्खी बोल में थी, बोल में, फोक पर नहीं। That's okay. मैं वॉश करके आती हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। सके न तेरे हुए तुम किसी और के, एक तरफा इश्क में दिल तो टूटना ही था, हमेशा तुम रहे मुझ में, हम ना थे पर तुझ में, दर्द है कितना दिल में, कैसे हम करें ये बयां, जी ना सकेंगे हम तो एक पल तेरे बिना, दिल जुड़ ना सकेगा फिर कभी ऐसे टूटा, सपने सारे टूटे तुम जो हमसे छूटे, खुद से ही हम तोड़ उठे, कैसे तुझे भूले पल वो कैसे भूले, कैसे हम आंसू पिए, इट्स ब्रेकिंग माय हार्ट, इट्स ब्रेकिंग माय हार्ट, इट्स ब्रेकिंग माय हार्ट माय लव, इट्स ब्रेकिंग माय हार्ट, It's breaking my heart, it's breaking my heart, my love. अकेली क्या कर रही हो? चलो ना एक गेम खेलते हैं, अभी बैठो। ओके, तो मैं गेम के रूल्स बताती हूँ। ये शॉट ग्लासेस एक एक करके हम सबके सामने होंगे, ये एम्प्टी बॉटल जिस पर रुकेगी उन्हें शॉट लेकर ट्रूथ या डेयर चूज करना होगा, क्लियर? इस गेम में वोडका जरूरी है क्या? ट्रूथ और डेयर दोनों के लिए ये चाहिए, वैसे भी हम हॉलीडे पर तो है ही। Come on guys, थोड़े मजे करते हैं ना। ओके। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। अपने बारे में दो बातें बताओ जो कोई नहीं जानता। एक, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तब मैं स्मोक करता हूँ, और दूसरा, बगल में जो भी सो रहा हो उससे मैं चिपक के सोता हूँ। मैं ये दोनों जानती हूँ, सिर्फ तुम्हें ही पता है।
ट्रुथ। मेरे साथ तुम्हारी फेवरेट मेमोरी कौन सी है? प्ले एरिया वाली, वो मेरी फेवरेट मेमोरी है। ट्रुथ। हाउ मेनी गाइज डिड यू किस? सिर्फ एक, ओनली अभी। ट्रुथ। तुम्हारी फर्स्ट किस? तुम्हारे साथ। मैं पूछूंगी, ट्रुथ, तुम दोनों के बीच का कोई सीक्रेट जो और कोई नहीं जानता? एक नहीं पूजा, तुम्हें दो बताती हूँ। लौटने के बाद मैंने अभी को दो बार प्रपोज किया था। मैं यहाँ तुम दोनों का ब्रेकअप कराने आई हूँ, ये अभी भी जानता है। कांता, तुम्हारे ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप में तुम्हें कभी अभी नहीं बताया है। ये ट्रिप भी मैंने ही प्लान किया। पूजा, 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 एक बार मेरी बात। पूजा सुनो तो, मेरी एक बार बात तो सुनो तुम। क्या वो सच कह रही है? पूजा, वो एक्चुअली, पहले बताओ क्या वो सच कह रही है या नहीं? फिर से छुपाया ना मुझसे। पूजा, मुझे ठीक से एक्सप्लेन करने का एक मौका दो प्लीज। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है अभी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है अभी। शिट। पूजा, वैसे वो क्या करने आई है ये जानते हुए भी तुमने ये सब कुछ हो नहीं दिया अभी? नहीं, नहीं पूजा। आखिर तुम क्या सोच रहे थे अभी? तुम्हें ऑप्शन रखना था क्या, चूज करने के लिए? पूजा, ये पूजा, या वो? ऐसा नहीं है पूजा। तुम्हें पता भी है मुझे मुझे कितना बुरा लग रहा है अभी। पूजा, पूजा, मुझसे कुछ बात मत करो। इस वक्त मैं कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती हूँ अभी। प्लीज यहाँ से चले जाओ। पूजा, क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अगर यहाँ रहूंगी तो तुम पर चिल्लाऊंगी। रोना आ रहा है मुझे, डर लग रहा है कि कहीं तुमसे नफरत ना करने लगूं, इसीलिए जा रही हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अभी। पूजा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, पर जाने से पहले मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो, एक मौका। हमारे बारे में बताने ही गया था मैं उस दिन, ये कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप से डर लगता है उसे। पूजा, लेकिन अब समझ आया, वो मुझसे दूर होने के लिए दूर नहीं गई थी, बल्कि फिर से छोड़कर ना जा पाए उतना पास आने के लिए गई थी। वापस लौटकर आकर अभी आई लव यू कहा, उस वक्त मुझे पागलों की तरह हवा में कूदते हुए हग करके रोना चाहिए था, पर तुम्हें पता है कितना बुरा रिएक्ट किया मैंने। मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्यों। Then I realized, I have a true feeling for you. उसके करीब हुआ हूं इस खुशी से ज्यादा, कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं इस बात का डर सताने लगा मुझे। तो बताओ ना उसे अभी कि मुझे और तुम्हें
छोड़कर चली जाए यहाँ से। वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मैंने उसकी माँ से वादा किया था, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई कांट हर्ट हर। उसे थोड़ा वक्त दो, ये एक फेज है, वो ये सब समझ जाएगी। एंड आई वॉन्ट यू विथ मी इन दिस। अगर नहीं समझ पाई तो मेरा भी यही डर है। मैं भी एक लड़की ही हूँ अभी, इस इनसिक्योरिटी के साथ मैं नहीं जी सकती। वो लड़की कुछ भी करे तुम उसे कुछ नहीं कहते, मतलब यू आर कंफ्यूज्ड। इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। इन हालातों में हमारा शादी करना सही नहीं है, इसीलिए शादी कैंसिल कर रही हूँ। मुझे छोड़कर जाओगे या उसे छोड़कर आओगे, फैसला कर लो। ये तेरा प्यार मुझको लाया कहाँ, हो गए जहाँ हम जुदा। ना मंजिल ना राह दिखे यहाँ, जाए तो जाए कहाँ। प्यार का प्यार से मिला ना सिला, किससे करे हम गिला। जीऊंगा कैसे मैं तेरे बिना, तेरे बिना मैं कुछ ना। ये दूरियां ये फासले कैसे बता मिटाए। इस दिल पे गुजरी है जो कैसे हम बताए। खो देंगे तुम्हें इस तरह, हमने ये सोचा न था। खो देंगे तुम्हें इस तरह, हमने ये सोचा न था। अभी क्या हुआ? पापा, मैं अपनी शादी को लेकर कोई डिसीजन लूं तो आपको मंजूर होगा ना? क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी सब कुछ नहीं बता सकता, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा, बोलना। ये तेरी शादी है, तेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला जो तुझे ही करना है। इसमें मेरा फैसला नहीं बेटा, फैसला तो तुझे ही करना होगा। और तेरा हर फैसला मुझे मंजूर है। बस फैसला लेने से पहले दिल से एक बार सोच ले, एक बार फैसला ले लिया तो फिर पीछे मत हटना, क्योंकि ये तेरी जिंदगी का फैसला है। अभी अभी क्या कर रहे हो? बैठो, बोलो। क्या बताओ, प्लान क्या है? पूजा चली गई, जैसा तुम चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ है, ब्रेकअप भी हो गया, अब जस्ट यू एंड मी। बोलो, अब तुम चुप क्यों? मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली शादी कर लेते हैं, तुम और मैं शादी कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन मुझे एक स्टेबल फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा चिपक कर। रह सकती हो ना? शादी क्या है मैं जानती हूँ, अभी किसी भी दिन किसी भी पल तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओके, ठीक है, तो बताओ अभी प्लान क्या है? यही, अभी शादी कर लेते हैं, किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में। और माँ पापा? माँ पापा किस लिए? हम दोनों को मंजूर है ना, उनसे बाद में मिल लेंगे। हम शादी की बात कर रहे हैं कांता, तुम्हारी फैमिली नहीं है लेकिन मेरी। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, अभी तुमने बिल्कुल सच और सही कहा, मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, इसलिए मैंने वैसा नहीं सोचा। आंटी अंकल से मैं बात कर लूंगी,
पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलो। मिले किस्मत से, जुदा किस्मत से, ना हो सके हम तेरे। चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, दिल में रहेंगे तेरे। तू खुश रहे, पूजा को भी फोन करके आने को कह दो। ओ, शायद अंदर ही है, तुम यहीं वेट करो, मैं अंदर जाकर बात करके आती हूँ। तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय पूजा। हाय आंटी। एक्चुअली बहुत बातें करने आई थी, पर यहाँ खड़े होने के बाद थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। मैं बस एक मिनट का ही टाइम लूँगी। पूजा, ज़रा एक मिनट तुम मेरी बात सुनोगी? तुमसे कुछ पर्सनली पूछना है। क्या तुम मेरे लिए अभी को छोड़ दोगी? बस मजाक कर रही थी तुम्हें छेड़ने के लिए। तुम्हें कुछ बताऊंगी, एक ही बार बताऊंगी, बताने के बाद तुम भाव मत खाना। आई एम वेरी सॉरी पूजा, अनजाने में अभी से प्यार हो गया था और जानबूझकर तुम दोनों के बीच आई थी। आई एम सो सॉरी। अभी को मैं बहुत पसंद करती हूँ पूजा, उतना जितना मेरी मॉम से प्यार करती हूँ, उससे भी ज्यादा। जब भी अभी मेरे साथ होता था, मैं एक प्रिंसेस जैसा फील करती थी। मुझे लगा वो फीलिंग मुझे सारी जिंदगी चाहिए, पर सच बताओ मुझ में एक बकवास सा कमिटमेंट फोबिया है। और उस दिन भी मैं बहुत डर गई थी और अभी की लाइफ से भाग गई। और उस दिन भी मुझे लगा था मैं उस सिचुएशन से भागी थी, लेकिन अभी की लाइफ से भाग गई ऐसा नहीं लगा। और अभी अब मेरी लाइफ में नहीं होगा ये एक्सेप्ट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे कहूं। हर प्यार का एक वक्त होता है पूजा, ये वक्त मेरा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्यार नहीं है। एक्चुअली अभी चाहता तो मुझे कब का छोड़ चुका होता पूजा, लेकिन ऐसा नहीं किया। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट यू, ही लेट मी गो थ्रू दिस फेज। मैं इतने दिनों से हारा हुआ खेल खेल रही थी पूजा, पर अब और नहीं। आई हेट यू पूजा फॉर वॉट यू आर, इतनी परफेक्ट, इतनी ब्यूटिफुल, दिमाग से भी और दिल से भी। अभी को तुम चाहिए और तुम्हें अभी चाहिए, बीच में टांग अड़ाने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं जाकर उसे भेजती हूँ। अभी की आंखों में अगर तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आया तो मैं उसके साथ रहूंगी, भूलना मत। मूवीज के अलावा मुझे नहीं लगा था ऐसा डायलॉग रियल लाइफ में मारने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या तुम मेरा एक फेवर करोगी पूजा, इसे पढ़े बिना अभी के अंदर आने के बाद उसे दे दोगी? थैंक्स।
I have realized something. प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, जरूरत पड़ने पर छोड़कर जाना भी प्यार है. Then I realized I have a true feeling for you. उसके करीब हुआ हूं इस खुशी से ज्यादा. तुमसे दूर ना हो जाऊं मुझे इस बात का डर सताने लगा पूजा. तो उसे बताओ अभी मुझे, तुम्हें, हम दोनों को छोड़कर चली जाए. गया है तुम्हें? Look at you. चेहरा लाल हो गया है. इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो अभी? Don't worry. मैंने तुम्हारे लिए सब ठीक कर दिया है. बेटी की शादी है ना? पहले तो सब सीरियस हो गए थे, लेकिन बाद में समझ गए. तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाओ. अभी भूल गई. पूजा, पूजा, वो एक्चुअली मैं एक बात बताऊंगी, बस एक ही बार बताऊंगी. बताने के बाद भाव मत खाना. I love you अभी. ये लेटर उसने देने के लिए कहा. अभी जानती हूं तुम्हें क्या चाहिए. बताया था ना, तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगी. पूजा इज अ ग्रेट गर्ल. लड़की ऐसी होनी चाहिए, ये कहने के लिए वो परफेक्ट एग्जाम्पल है. इतने दिन तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सो सॉरी. मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम टेंशन मत लेना. ये तुम्हारे लिए शॉकिंग हो सकता है, बट आई डोंट हैव मच टाइम अभी. इसलिए तुम्हारे साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करने का मन किया और कर लिया. Now I can go peacefully. ये सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ अभी. अब मुझे ढूंढते हुए मत आना. This is how I want you to be. ये लिख कर आ गई यार. अभी was my best memory. दीदी आपको कैंसर है? तुम्हें भरोसा हो गया? तुम्हें हो गया मतलब अभी को भी आसानी से हो जाएगा. नहीं है, फिर ऐसा क्यों बोली? मुझे ढूंढते हुए ना आ जाए इसलिए, मेरे लौटने का इंतजार ना करे इसलिए. तुम्हारा सर.
तेरी इतनी हिम्मत तूने ऐसे बोला? मुंबई के पास में एक शहर है, एक मारूंगी ना आवाज वहां तक जाएगी। दीदी हाय अभी तुम कब आए? अपने क्लाइमेक्स को जब डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी तभी आया। तुझे पता चल गया? तेरी तो कैंसर है तुझे। अभी 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 भागती का रुक। प्लीज उस वक्त समझ नहीं आया क्या लिखूं। वो एक्चुअली मूवी देखकर क्रिएटिव माइंड के साथ लिख दिया। अभी सॉरी। तुझे शर्म नहीं आती इतना बड़ा झूठ बोल के मेरे दिल को दुखाती है? ए कांता, मैं और नहीं भाग सकता, रुको। अब तेरे ये इमोशनल डायलॉग्स मेरे सामने बिल्कुल भी चलने वाले नहीं है। वहां मेरी शादी हो रही है, चल। अब अगर मैं वहां जाऊंगी तो पूजा को क्या लगेगा? पूजा को जैसे माँ पापा सनी मामा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे साथ भी नहीं होगी। वो मेरी फैमिली है, तुम भी रहोगी, ठीक है? अच्छा है ना? थैंक यू। खुश तुम रहो घर में सदा ही आनंद हो। दुआ है ये मेरी खुश तुम रहो घर में सदा ही आनंद हो। हाथों में तेरे जिसका हाथ हो हर पल वो तेरे सदा साथ हो। ऐसा हो कि वो इंतजार करे, वो खुशियां तुम उसे दोगे ना बेटा? वो खुशियां उसे दोगे ना? घर में सदा ही आनंद हो। दुआ है ये मेरी खुश तुम रहो घर में सदा ही आनंद हो। चंद्रकांता चंद्रकांता।